दोस्तों आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यू सी न्यू जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्टों का नोटिफिकेशन जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। और इस बार टोटल आप सभी को पता ही है कि कल जो हमने वीडियो डाली थी उसमें 752 पोस्टें जो है एडवर्टीजमेंट के लिए आएंगी और न्यू रिजर्वेशन रूल्स के साथ वो जो लिस्ट है वो पब्लिश की गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और साथ ही साथ आने वाले समय में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे जेके पीएसआई से जुड़े आप सभी को हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले समय में जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे आप सब तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, जो जेके एसएसबी की तरफ से रिसेंटली इशू किए गए हैं सिलेबस वो सभी के लिए सेम ही रह रहे हैं, चाहे वो आने वाली पोस्टों के लिए हो, चाहे वो आपके पीछे जो जेके एसएसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई गई है उसी को लेकर हो। तो चलिए पीडीएफ की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये ऑफिशियल सिलेबस भी है, ये आपको जेके एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 120 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि 120 नंबर का आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है। और ड्यूरेशन देख सकते हैं कि 2 घंटे की ड्यूरेशन टाइम आपको दिया जाएगा पेपर के लिए, और 150 मार्क्स दोस्तों यहाँ पर आपके रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें करंट इवेंट्स जो आपके यहाँ पे सिलेबस की बात करें, पहला जो आपका रहेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दूसरी बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और दोस्तों हिस्ट्री में आपकी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी पूछी जाती है। थर्ड नंबर पर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, ये आपको टॉपिक कवर करना है। फोर्थ नंबर पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज एट्सेट्रा, ये आपका सिलेबस रहता है। फिर फिफ्थ नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया जेएनके से जुड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का और एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर एडेप्शन ऑर्डर इशूड अंडर 300, तो ये जो है आपका टॉपिक रहेगा। सिक्स नंबर पर देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा, ये टॉपिक आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों सेवन्थ देख सकते हैं कि जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर जो है आपका पूछा जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश। फिर नाइन्थ नंबर पर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे रिगार्डिंग जो है आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जनरल साइंस आपको कवर करके जानी है अप टू 10th लेवल की, जी हाँ दोस्तों जनरल साइंस जो है आपको 10th 12th लेवल की यहाँ पे कवर करके जानी है, मोस्टली 10th लेवल की ही पूछी जाती है। अगर आप एनसीईआरटी कवर करके जाते हो तो आपका यहाँ पे इसमें से आ जाएगा। 11th नंबर की बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूसेजेस, कंप्यूटर आपका देखने को मिलता है, लगभग सभी एग्जाम्स में अब कंप्यूटर आने लगा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेस। फिर उसके बाद दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी आपका हो गया, यानी कि आपका मैथ जो है आपका पूछा जाएगा, आप इसमें सभी आपको यहाँ पर कवर करना है। अर्थमेटिक प्लस जो आपका अर्थमेटिक रहता है मोस्टली आपको वही कवर करके जाना है। 13th नंबर पर देख सकते हैं कि रीजनिंग आपकी आएगी, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग आपको कवर करनी है और एनालिटिक एबिलिटी, ये टॉपिक्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में कितने चैप्टर्स रहते हैं और एनालिटिक एबिलिटी में। फिर उसके बाद दोस्तों बेसिक न्यूमेरेसी, यानी कि नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, ये अप टू 10th लेवल का, ये अलग से एक जो है यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। तो आप ये पूरा सिलेबस जो है जेके पीएसआई का यहाँ पे रहने वाला है और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और 150 मार्क्स का जो टोटल इसका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों यहाँ पे रहता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे, दोस्तों 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन की वेटेज जो रहेगी 1.25 रहेगी और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.25 यहाँ पे रखी गई है, यानी कि अगर आपके यहाँ पे कोई 5 क्वेश्चन तक गलत होते हैं तो यहाँ पे आपका 0.25 यहाँ पे मार्क्स जो है यहाँ पे काटे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस आपका रहेगा। ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक आपको इस वीडियो के, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको जेके पीएसआई का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, बाकी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं, आने वाले समय में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।